राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत जनपद पौड़ी में काम कर रही 300 अधिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य सचिव द्वारा 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौटने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ साफ चेतावनी स्वास्थ्य सचिव की ओर से दी गई है कि अगर स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे के भीतर अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिलाध्यक्ष पौड़ी शरद रौतेला ने कहा कि उनका संगठन अब किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रहे एक भी कर्मचारी को प्रदेश सरकार द्वारा हटाया जाता है तो इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर सरकार से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल न होने पर उनके द्वारा आंदोलन का रुख किया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे अपनी हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर देंगे, जिसके बाद में प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। स्वास्थ्य सचिव महोदय को, अपने मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, अपने MD मैडम को और जितने भी स्वास्थ्य सचिव जो भी हमसे रिलेटेड हैं उन सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे दो दिन के उसमें आप लोगों पे इतना असर पड़ रहा है तो क्यों ना आप हमारा लेटर निकाल दो इस तरीके का कि आप लोगों की मांगे हम मान चुके हैं तो हम कल ही वापस आ जाएंगे। अब जब आप हमारा कुछ काम कर ही नहीं रहे हो तो हमें हड़ताल पे रहना पड़ेगा। आप जितने तरीके भी लेटर निकालूंगा उनका हम पूर्ण रूप से साथ हैं और उनका विरोध करेंगे। होगा जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब अगर आंदोलन में उतरे हैं तो आंदोलन की ही तरह आंदोलन करेंगे। हमें इससे कोई डर नहीं है कि आप कुछ भी करें, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पाबो पौड़ी द्वारिखाल यमकेश्वर ब्लॉक सहित जनपद के सभी ब्लॉकों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे और 60 साल की सेवा गारंटी की मांग को लेकर आंदोलनरत है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज